वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अक्षित में। दोस्तों आज के समय में इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। एंड दोस्तों आज के समय में भारत में ज्यादातर लोग प्रीपेड सिम का ही यूज करते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, जितनी भी दोस्तों ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वे दोस्तों एक महीने की वैलिडिटी बताकर आपको 30 दिन के बजाय 28 दिन की वैलिडिटी क्यों प्रोवाइड करती है? जितनी भी दोस्तों ये टेलीकॉम कंपनी होती है, जैसे कि दोस्तों जियो, एयरटेल, वी, जब दोस्तों रिचार्ज करने जाते हो आप, मान लीजिए आपने एक महीने का रिचार्ज किया तो दोस्तों आपको 30 दिन के बजाय केवल 28 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है। आखिर क्यों दोस्तों एक महीने के रिचार्ज प्लान में आपको 30 दिन के बजाय 28 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है? क्या दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं? यदि दोस्तों हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हर 28 दिन को एक महीना मानकर चले तो दोस्तों साल में 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। आप इसके पीछे की दोस्तों छोटी सी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। साल में दोस्तों 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों 31 दिन होते हैं, और दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां आपको 28 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करती है एक महीने के रिचार्ज प्लान पर। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर हर महीने के हिसाब से 3 दिन शेष हो जाते हैं, तो प्रति महीने के हिसाब से दोस्तों 7 × 3 यानी दोस्तों 21 दिन शेष हो जाते हैं। एंड अगर दोस्तों साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों केवल 30 दिन होते हैं, तो यहां पर भी दोस्तों हर महीने 2 दिन शेष बच जाते हैं, और प्रति महीने के हिसाब से दोस्तों 4 × 2 = 8 दिन शेष हो जाते हैं। और अगर दोस्तों फरवरी का भी महीना जोड़ लिया जाए तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, और दोस्तों यहां पर भी 1 दिन शेष बच जाता है। टोटल दोस्तों 21 + 8 + 1 यानी दोस्तों 30 दिन यहां पर शेष बच जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वे दोस्तों एक महीने के रिचार्ज प्लान पर 30 दिन के 28 दिन की वैलिडिटी इसलिए प्रोवाइड करती हैं ताकि दोस्तों पूरे साल में उनको एक महीने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। जी हाँ दोस्तों, ये टेलीफोन कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी इसलिए प्रोवाइड करती हैं ताकि दोस्तों उनको एक साल में एक महीने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। अपने प्रॉफिट के लिए ही दोस्तों सारी कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। We'll be right back.